प्रज्ञा की हालत इस वक्त पर काफी नाजुक थी। अगर उसे रोका ना जाता तो शायद वो कोई ऐसा कदम उठा लेती जो उसके लिए और सृष्टि के लिए सही नहीं था। किसी भी तरीके से उनको अपने ऊपर काबू पाना था। सृष्टि स्ट्रांग थी लेकिन प्रज्ञा ऑन द अदर हैंड काफी वीक साबित हो रही थी। सृष्टि यही सोच रही थी कि आखिर किस तरीके से मैं इस चीज को टैकल करूं, क्योंकि घर में रहते हुए तो कोई नुकसान नहीं हो सकता था। नुकसान सिर्फ तभी होता जब वो उस बिल्डिंग में जाते। ये एक अजम्पशन थी लेकिन ये तुक्का भी अपने आप में बिल्कुल सटीक साबित हुआ। भले ही तुक्का था लेकिन बात में दम था। तो अगर आपने पुराने दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, जाकर के उन्हें आप चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही पार्ट्स का लिंक मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाकर के उन पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे। अगर वो पार्ट्स देख रखे हैं तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। सृष्टि के लिए दिक्कत ये थी कि वो चाह करके भी किसी की मदद नहीं ले सकती थी। चाहती तो थी वो अघोरी पर जाना, लेकिन अब अगर वो ना जाती तो एक तरफ पे कुआं और एक तरफ पे खाई। मौत तो पक्की थी। बच सकती थी तो किसी अघोरी, किसी पंडित, किसी तांत्रिक पर जाकर के ही। लेकिन इस रात में वो कैसे किसके पास जाए, और किसी को जानती नहीं थी। लेकिन उसको याद था कि उसके पेरेंट्स जो थे वो बचपन में घर का जब शुद्धिकरण वगैरह कराया करते थे तो किसी पंडित से नहीं कराते थे, किसी अघोरी से कराते थे, सृष्टि के पेरेंट्स। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वो ये बताते थे कि जो पंडित वगैरह होते हैं ये एक बार को धोखेबाज हो सकते हैं, ये फ्रॉड हो सकते हैं। कहते हैं ना पोंगा पंडित, मतलब नकली पंडित। लेकिन अघोरी जो होता है वो ज्यादातर केसेस में सच्चा होता है, ऐसा उनका मानना था। और वो एक शमशान में जाते थे और उस शमशान से किसी अघोरी से बात करते थे। वो आता था, घर की शुद्धिकरण हर 1.5 साल के अंदर होती थी और दिवाली के आसपास या होली के आसपास वो कराया करते थे, क्योंकि इसी वक्त पे सबसे ज्यादा काला जादू वगैरह होता है। तो वो इस चीज में बहुत मानते थे, फर्म बिलीवर थे वो। तो सृष्टि जानती थी कि एक अघोरी है जो यहाँ पे एक कब्रिस्तान में मिलेगा, लेकिन इस वक्त पर प्रज्ञा को लेकर के उस कब्रिस्तान में मैं गई और किसी ने मुझे देख लिया तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे। भूत तो बाद में मारेगा, लोग ही मार देंगे। और लोगों को आप कब तक समझाएंगे और क्या समझाएंगे कि हमने यहाँ पर ये सब कुछ किया था, ओइजा बोर्ड लगाया था, चार दोस्त बैठे थे, तब तो बात और स्ट्रांग कि तुमने किया है। और कौन मान लेगा, जिसके जिसका बेटा गया है वो तो किसी भी बात को, चाहे आप सच भी बोल लें, वो सच को भी सच नहीं मानेगा। उसको तो बस आपको फ्रेम करना है। कोई भी छोटे से छोटा सबूत आया और सृष्टि की गर्दन पर तलवार लटक गई। लेकिन उस रात उन्होंने देखा कि काफी तेज बारिश हो रही थी। और मुंबई की बारिश से आप लोग अगर वाकिफ नहीं हैं तो बता दूं, मुंबई में बहुत भयानक बारिश होती है। जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में ऐसी बारिश होती है कि रुकने से नहीं रुकती। बारिश अपने उफान पर थी और इस वक्त पर शायद कोई भी नहीं होता जो उन पे नजर रख सकता था। मौसम साथ दे रहा था लेकिन फिर भी एक डर था। सृष्टि ने प्रज्ञा को कहा, देख प्रज्ञा, ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ मन का वहम है, इसको तू कंट्रोल कर। बाद की बाद में देखेंगे, जो होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन इसको तू कंट्रोल कर। प्रज्ञा समझ नहीं पा रही थी, वो काफी घबरा गई थी और घबराहट में इंसान का दिमाग काम नहीं करता। वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड मरा था, कोई उसके लिए आसान बात नहीं थी। उसने उसको कहा, देख प्रज्ञा एक काम कर, तू इस वक्त मेरे घर से निकल जा। मैं तुझे एक रास्ता बता रही हूं, यहां से कुछ 3 किलोमीटर दूर है, कोई गाड़ी वाड़ी मत पकड़, चुपचाप एक पतली सी गली जा रही है वहां से तू चली जा, मेन रोड से मत जाइयो, वहां से जा और चोरी छुपते हुए जा वहां पे, देख कि आसपास कोई है तो नहीं। तुझे उस जगह पर जाना है और वहां पर जाकर के मैं तुझे मिलूंगी। उसने कहा, जगह कौन सी? तो उसने कहा, कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान का नाम सुनकर के प्रज्ञा ने साफ कह दिया, मैं नहीं जाती। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कब्रिस्तान में तो सीधा मौत ही नाचेगी मेरे ऊपर। उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तू वहां पर जा, मैं बता रही हूं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रज्ञा को बहुत मनाया गया, आधे घंटे बाद तो वो मानी। आधे घंटे के बाद वो निकली घर से और लगा लीजिए 45 मिनट के अंदर अंदर पैदल चल के वहां वो पहुंच गई होगी।
उसने सृष्टि को कॉल भी नहीं करी, मना किया था सृष्टि ने कि कॉल वॉल मत करियो। फिर सृष्टि घर से निकली ताक झाक करते हुए कि आसपास कुछ है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन कोई नजर नहीं थी वहां पे, कोई उनके ऊपर पहरा रखे हुए नहीं था। वो भी उस कब्रिस्तान में पहुंची और दोनों एक तरह से कह सकते हैं दोस्त वहां पर थे। डर तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उस कब्रिस्तान में सृष्टि और प्रज्ञा ने देखा कि एक अघोरी जो है वो टीन की छत के नीचे कुछ परफॉर्म कर रहा है। वो वहां पहुंच गए और पहुंच करके सृष्टि ने उसको कहा, आपको याद नहीं होगा लेकिन आप हमारे घर आया करते थे। उसने ऊपर भी नहीं देखा, सृष्टि की तरफ भी नहीं देखा, उसने उसके बारे में सब बता दिया कि तू यहां पर किस लिए आई है, तेरे साथ क्या क्या हुआ है, और मैं जानता हूं कि तेरे ऊपर किसी आत्मा का साया मंडरा रहा है जो तुझे मारना चाहता है। उसने कहा, बाबा आप ये चीज कैसे समझ पाते हैं, आप हमें बताइए। उसने कहा, देख जब कोई शख्स इधर आता है तो वो मजबूरी में ही आता है, और इसी के साथ में वो जिस तरीके से चलता है, बात करता है, वो सब अपनी तरफ, लेकिन ये चीज मालूम चल जाती है कि उसके ऊपर किसी का साया मंडरा रहा है या नहीं, और तुम दोनों के ऊपर वो चीज मंडरा रही है। वो दोनों वहीं बैठ गई और उससे पूछा, बाबा बताइए इसका समाधान बताइए, क्या कर सकते हैं। उसने बाबा से कहा, बाबा वो किस किस्म की आत्मा है जो हमारे पीछे पड़ी है, क्या वो जगह हॉन्टेड थी या फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र पढ़ दिए जिसके चलते वो आत्मा जागृत हो गई। उसने कहा, बेटा इसका रहस्य ना उस जगह पर जाकर मालूम पड़ेगा, और इस वक्त पे नक्षत्र ऐसे नहीं है कि वहां पे मैं जाऊं, और साथ में मौसम भी, अगर मैं इस वक्त पर गया तो जो आज की डेट है उसके हिसाब से वो आत्मा हम लोगों से जीत जाएगी। अब ये बातें उन लड़कियों की समझ के बाहर थी, मगर जो वो कह रहे थे वो बात ठीक थी। उन्होंने कहा, ठीक है वो तो बात की बात है, वो कौन सी आत्मा है और क्या कर रही है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि अभी हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। बाबा ने कहा, देखो मैं तुम्हें दो अंगूठियां देता हूं, इन अंगूठियों को तुम पहनो। लाल कलर की अंगूठी थी, वो होता है ना रेड कलर का डायमंड सा होता है, और नॉर्मल अंगूठी वाइट या फिर गोल्डन रंग की जो होती है, इस किस्म की वो अंगूठी थी, और अंदर जो था इधर मार्बल था रेड कलर का, देखने में बिल्कुल आम अंगूठी, कोई इसमें ऐसा नहीं था कि कुछ हीरे जवाहरात जड़े हुए नहीं। सृष्टि ने देखा उसे और कहा, ये हमें प्रोटेक्ट करेगी। उसने कहा, ये तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये तुम्हारे मनोबल को बढ़ाएगी। तुम्हारा मनोबल जो है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये लड़की, प्रज्ञा की तरफ इशारा करते हुए कहा उन्होंने, ये लड़की जो है इसको तो खास तौर से ध्यान रखना है कि ये अपने आप को कमजोर ना होने दे, अगर ये कमजोर होने देगी तो ये अंगूठी किसी काम की नहीं। इस अंगूठी को तुम पहनो, एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो तुम्हारे आसपास रहेगा, एक पॉजिटिविटी तुम्हें फील होगी। सृष्टि ने उसे पहना तो उसे ऐसा कुछ नहीं लगा, तो उसने कहा, बाबा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उन्होंने कहा, इसके पीछे का रीजन यही है कि तेरा मन पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, तुझे इसकी उतनी जरूरत नहीं है, पड़ेगी आगे पड़ेगी, क्योंकि जब वो तेरा शिकार करेगी ना तो वो तुझे मन से तोड़ देगी, ये बात पक्की है, लेकिन तू इसको उतार मत, इसे तू रख। और उस लड़की को भी पहनाया प्रज्ञा को, प्रज्ञा को पहनते ही असर मालूम चला। उसने कहा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंटरनली काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं। उसने कहा, यही चीज जो है इसको तू अपने ऊपर रख, दो तीन दिन की बात सारी है, दो तीन दिन के बाद में उधर जाकर के इस चीज की तहकीकात की जाएगी कि वो आत्मा कौन सी है और उसको मुक्त कराया जा सकता है या नहीं, या फिर तुम्हें उसके चंगुल से कैसे बचाया जाए। उन दोनों ने वो अंगूठी पहन ली और दोनों की दोनों अपने अपने घर चली गई। अब उन्हें उस पहरे वहरे का भी डर नहीं था जो यहाँ पे आकाश की मोम रख सकती थी। उन्हें लगा सब कुछ ठीक हो ही गया है, दो तीन दिन के बाद में मामला भी ठंडा पड़ जाएगा, तब देखते हैं क्या होगा। रात में कुछ 2:30 बजे के आसपास प्रज्ञा का कॉल आया सृष्टि के पास में, और वो कहती है, सृष्टि आकाश ना जिंदा है, वो मरा नहीं है। सृष्टि ने कहा,
क्या मतलब तेरा, आकाश तो मर चुका है ना, उसकी तो बॉडी का भी अंतिम संस्कार हो गया। उसने कहा नहीं, आकाश जिंदा है, उसने मुझे खुद बताया है। उसने कहा देख तू फिर से पागलों वाली बात कर रही है, इस बात को तू साइड में रख, आकाश मर चुका है, ऑटोप्सी हो चुकी, अंतिम संस्कार हो चुका, वो आकाश ही था। समझ में आ रही है बात, इस वहम को दिल से निकाल दे। प्रज्ञा की सामने से स्टेटमेंट आती है, वो आत्मा इतनी पावरफुल है कि वो किसी का भी कुछ भी बिगाड़ सकती है। क्या पता रिपोर्ट वगैरह जो हो वो किसी और की हो, बॉडी किसी और की हो, ऐसी हजार बातें उसने घुमानी शुरू कर दी जिसका जवाब सृष्टि पर नहीं था। सृष्टि ने कहा देख जो भी है 3 दिन के बाद में आकाश को ढूंढ लेंगे। उसने कहा नहीं, आकाश ने मुझे कहा है कि मैं उससे मिलने आऊं और मैं ही सिर्फ उसको बचा सकती हूं। उसने कहा नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना, हम लोग साथ में जाएंगे, अगर ऐसा भी है तो हम उस अघोरी के पास कल जाएंगे और कल तक का इंतजार कर लेना, 3-4 दिन रुक गई तो कल तक का भी इंतजार कर ले। उसने कहा नहीं, कल वो मर जाएगा, क्या पता वो भूखा प्यासा हो, क्या हो क्या नहीं हो, मैं तो जा रही हूं, तुझे आना है तो आ, नहीं तो मत आ। उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब साफ था कि वो भी उस बिल्डिंग में जा रही थी और सृष्टि चाहते हुए भी उसको रोक नहीं सकती थी। अगर वो वहां जाती तो शायद वो भी मर जाती, लेकिन उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जा रही हूं। वो अपने घर से निकल ही रही थी लेकिन जिस इलाके में वो रहती थी वहां पे पेड़ वगैरह बहुत थे और मौसम था बारिश का। उसने देखा उसके घर के आगे 3 पेड़ गिरे हुए हैं जो उसके बस की तो बात नहीं थी हटाना, और आसपास के लोगों को अगर वो बोले कि भाई मैं यहाँ पे बाहर जाना चाहती हूँ इनको हटा दो तो 36 सवाल, क्यों जाना है, कहाँ जाना है, और वही शक की जो घंटी है वो तो गले में घूम ही रही है उसके, फिर वो यही कहेंगे काला जादू करने जा रही होगी। सही कहती थी आकाश की माँ। वो लड़की चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी, हाथ उसके बंधे हुए थे। फोन उसने प्रज्ञा को मिलाया, उसकी कॉल नहीं मिल रही थी। ये एक एक सेकंड लगभग 100 साल के बराबर था। वक्त बीतने से नहीं बीत रहा था और वो बस यही सोच रही थी कि काश मेरी दोस्त यहां पे जिंदा हो, वो मरे ना। अगले दिन उसने इधर प्रज्ञा के पेरेंट्स को तो कॉल नहीं करी। उसने सोचा मैं खुद जाती हूं उस बिल्डिंग में देख करके आती हूं। सुबह के 6 बज रहे थे, बारिश अभी भी थी लेकिन रात की तरह से इतनी तेज नहीं थी। वो बिल्डिंग में गई तो जो उसने देखा वो कोई भी इंसान सीरियसली अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहेगा। इतनी भयानक मौत मरी थी ना प्रज्ञा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं उसे डिफाइन कैसे करूं। कहने का मतलब आपने जोकर को देखा होगा, उसके होठ बड़े होते हैं, यहां पर होठ बड़े होते हैं, लिपस्टिक क्या जो भी होती है वो एक्सट्रीमली फैली हुई होती है। उसका मुंह किसी ने ऐसे पकड़ के फाड़ रखा था जिसके चलते जो उसके होठ थे वो यहां तक फैल गए थे, जबान बाहर थी, बहुत क्रीपी सा माहौल था वो। उसका मुंह किसी ने नोच रखा था, जैसे जोकर को देखा होगा, इविल जोकर जो होता है उसका मुंह वगैरह नोचा हुआ होता है, आंखों पे से जो काजल वगैरह होता है वो हटा हुआ होता है। इस तरीके से उसका शव मिला था और शव के ऊपर आधे तो बाल थे आधे नहीं थे। मतलब जिस जोकर से उसको डर लगता था सेम उसी तरीके से उसको मारा गया। क्या हुआ होगा उसके साथ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी मौत भी अपने डर के ही चलते हुई थी। और उसने बताया था, एक बात उसने बताई थी जो मैंने सेकंड पार्ट में आपको नहीं बताई, उसने उस जोकर का हुलिया बताया था जिसको देख करके वो डरी थी बचपन में, जो सेकंड पार्ट में मैंने कहा था ना कि वो डरती थी जोकर को देख करके, उस जोकर का उसने हुलिया बताया था। हुलिया ऐसा ही था कि उसके होठ इतने बड़े थे, या कह सकते खून वून जो भी लगा था, क्योंकि इविल जोकर था वो दशहरे के अंदर और वो इधर डमी को खा रहा था जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो इंसान को खा रहा है, और इसी तरीके से आधे बाल सर पे थे आधे नहीं थे, तो कुछ इतना ही इविल वो जोकर था। और सेम उसका चेहरा कह सकते हैं उसके तरीके से ही उसे भी मारा गया। सृष्टि वहां से भाग खड़ी हुई, वो जानती थी कि अगर किसी ने मुझे यहां देख लिया,
चाहे पुलिस आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, मुझे यहां से जिंदा फेंक देंगे ये लोग, मैं बच नहीं सकती। उसने प्रज्ञा की लाश को वहीं छोड़ा, घर आई और चुपचाप सो गई और फोन को कर दिया साइलेंट पे, कि किसी की कॉल आए तो वो उठाए ना, और अगर उसने कॉल उठा ली तो शक ना चला जाए कि ये लड़की जाग रही है सुबह के 6 बजे तक और इसी ने मारा होगा। 4-5 घंटे वो ऐसी पड़ी रही बिस्तर पे, नींद कहां आने वाली थी उसे। 5 घंटे के बाद उसने फोन को उठा के देखा तो इक्का दुक्का मिस्ड कॉल थी, और वहां पे उसको बुलाया गया साइट पे कि भाई यहां पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उसने यहां पे सारी बातें झूठ बता दी कि मेरे घर पे तो प्रज्ञा कल रात को नहीं आई थी, ना ही इसकी कोई कॉल वगैरह आई थी। और कमाल की बात यह है कि जब कॉल हिस्ट्री चेक करी गई तो प्रज्ञा की कॉल नहीं आई थी। जैसे पहले हुआ था ना कि जैन की कॉल भी नहीं दिखा रही थी कॉल हिस्ट्री में, सेम वैसे ही। तो वो तो सृष्टि समझ चुकी थी कि मेरे ऊपर से जो शक है वो थोड़ा सा हट जाएगा, और ऐसा हुआ भी। उसके गले में जो वो घंटी बंधी हुई थी वो हट गई थी। सृष्टि भी वापस अघोरी के पास गई उस रात को। वक्त बहुत कम था, अगर उसको भी वो लड़की दिखती तो वो मर जाती, लेकिन उसे तो पहले ही दिख गई थी वो लड़की, वो मरी क्यों नहीं थी, ये एक सवाल था उसके मन में। और एक और सवाल था कि वो मुझे कहती थी तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हारी जान मेरी है। वो घोरी के पास गई और उसने अघोरी से इसके बारे में बात करी कि इसका क्या मतलब है। अघोरी को भी इसका कोई मतलब समझ में नहीं आया कि उसने ये बात क्यों बोली कि तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी। उसे लगता था शायद ये आत्मा जो यहाँ पे रहती है, जो यहाँ पे इस बिल्डिंग में फंसी हुई है, इसका कोई कनेक्शन है किसी पुराने इंसान से या किसी भी चीज से, या फिर किसी ने इसको ऐसी विद्या से बुलाया है जिसके चलते वो शख्स उससे जो मांगता वो इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन उसको अपनी जान यहाँ पे गंवानी पड़ती। कोई जवाब नहीं था इस बात का, और ना ही इधर सृष्टि ने कुछ उससे मांगने की जुर्रत करी, क्योंकि अगर मांगती तो भी मौत, ना मांगती तो भी मौत। उसने कहा मैं मांगूंगी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगी, वो नहीं दिख रही तो ठीक है। अघोरी उस बिल्डिंग में गया, उस बिल्डिंग में जाकर के उसने कहा कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है भी और हॉन्टेड नहीं भी है। कहने का मतलब ये कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर कोई शख्स आके रह लेना तो उसे वो आत्मा कुछ नहीं कहेगी। इसका मतलब साफ ये था कि वो आत्मा सिर्फ बुलाने पे आती थी, अगर उसे बुलाया जाएगा तो वो आ जाएगी। अघोरी ने यहां पे और तिगड़म बिठाया और उसने कहा कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहती जब तक उन्हें कॉल ना किया जा सके। उसने पूरी आयुजा बोर्ड वाली बात बताई कि ऐसा ऐसा था, ये सब कुछ था और ये सब कुछ हमने किया था। मंत्र वगैरह जो जैन ने पढ़े थे वो भी उसने अघोरी को बताए। अघोरी ने कहा ये मंत्र सही नहीं है, इससे उस आत्मा को नहीं बुलाया जा सकता, तुमने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते वो आत्मा आई है, कोई ऐसा रिचुअल था, तुमने अपना खून वगैरह वहां पे डाला था या कुछ भी तुमने किया था। उसने कहा नहीं, क्योंकि खून वगैरह उन्होंने कुछ भी वहां पे कोई भी ड्रॉप ऑफ ब्लड वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि जैन जानता था अगर ऐसे हाथ वात कटवाऊंगा तो कोई भी रिचुअल को परफॉर्म नहीं करेगा, वो तो सिर्फ सृष्टि को बेवकूफ बनाना चाहता था जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था बाबा। बाबा ने कहा ठीक से याद कर, तूने उसे बड़ी शिद्दत से बुलाया है और तेरे सभी दोस्तों ने भी। उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसने दिमाग पे बहुत जोर डाला तो उसे जैन की एक कही हुई बात याद आई कि अगर किसी आत्मा को सच्चे दिल से बुलाओगे तो वो आ जाएगी। और कमाल की बात यह है कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड होते हुए भी हॉन्टेड नहीं थी, वो आत्मा रहती थी वहां पे, कोई डाउट नहीं था। लेकिन जब उन चारों ने उसको याद किया और इसी के साथ साथ अपने डर को याद किया तो वो आत्मा यहां पे आ गई। इसका मतलब यह था कि रिचुअल का कोई मायना था ही नहीं, उनको अगर उस आत्मा को बुलाना था तो बस उसे सच्चे दिल से याद करना था और वो आ गई। और सबसे पहले ये काम किया था सृष्टि ने, इसीलिए वो सबसे पहले सृष्टि को दिखाई दी, उसके बाद जैन, उसके बाद आकाश और आखिरी में प्रज्ञा।
तीनों दोस्त मर चुके थे और अपने डर के चलते वो मरे। अघोरी ने कहा, हमें ये जानना होगा कि आखिर इस आत्मा को यहाँ पे लाया कैसे गया, क्योंकि ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये ना तो कोई चुड़ैल है, ना ये कुछ है, ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसी आत्मा है जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, ये सिर्फ और सिर्फ बलि चाहती है, जो इसको बुलाएगा ये उसे मार देगी, सिंपल सी बात है। और जिस रूप में तुम्हें दिखाई दी थी वो रूप इसका सच्चा है, मैं ये दावे से बोल सकता हूँ। सृष्टि ने कहा, ये आप कैसे कह सकते हैं? उसने कहा, मैं बताता हूँ तुम्हें, पहले हमें इस जगह का इतिहास जानना होगा। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो किसी को कुछ नहीं पता था, हाँ लेकिन एक 25-27 साल का लड़का था जो यहाँ पे वाकिफ था कि यहाँ पे क्या सब कुछ हुआ है। तो उसने कहा, मेरा एक दोस्त था श्याम ओबेरॉय, बेसिकली उसके फादर की ये बिल्डिंग थी, ओबेरॉयज ने इसको एक्वायर किया था और काफ़ी पहले उन्होंने लिया था, क्योंकि वो बिल्डिंग जो थी वो उस जगह पे थी जहाँ पर काफ़ी अच्छा मॉल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता था, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी पर थी वो, तो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे उन्होंने ली और ये सब कुछ उन्होंने अपने बेटे श्याम के नाम पे ली थी। तो उन्होंने कहा, श्याम कहाँ है? उसने कहा, श्याम मर चुका। अब ये समझना मुश्किल नहीं था कि श्याम क्यों मरा, डेफिनेटली उस आत्मा ने ही मारा था। तो उसने पूछा भी कि कैसे मरा और क्या हुआ था। तो उसके दोस्त ने कहा, श्याम के दोस्त ने, कि बेसिकली वो एक लड़की से प्यार करता था और बहुत सच्चे दिल से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की जो थी वो ना तो उसके पैसे पे अट्रैक्ट हुई थी और ना ही उसके फेस पे, वो कहती थी कि मैं किसी और से शादी करूंगी। उसने करी भी थी, एक लड़का था जो यहाँ पे कुछ 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाता था, उससे उसी से उसने शादी कर ली थी, वो पैसों से पटने वालों में से नहीं थी। और श्याम जो था वो उससे बहुत प्यार करता था, उसने सारे हथकंडे अपना लिए, अपने फादर को भी बोल दिया कि पापा आप चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, कि अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लो, ये कर लो, बट उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तो उसी लड़के से शादी करूंगी। अब वो लोग कोई गुंडे वगैरह तो थे नहीं कि लड़की को ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करें और फिर उसको कहें नहीं तू इधर ही आ। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा तुम्हारी मर्जी, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम। उस लड़की ने शादी कर ली। श्याम ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा टूट गया, उसके मन में न जाने क्या भूत सवार हुआ, उसने ये सोचा कि मैं इससे भी सुंदर लड़की से शादी करूंगा और वो लड़की ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं पर जीवन भी है तो वहाँ पे भी इतनी सुंदर इतनी बला की खूबसूरत लड़की ना रहती हो। वो इसी चीज़ में पागल हो गया। सृष्टि कर्ण पिशाचनी वगैरह के बारे में जानती थी और इसी के साथ में और भी साधनाओं के बारे में थोड़ा बहुत पता था उसे, जो जैन बताया करता था। उसने कहा, उसने उसकी साधना की। तो अघोरी ने कहा, नहीं उसने कर्ण पिशाचनी या फिर यक्षिणी इनकी साधना नहीं की, अगर उसने की होती तो उसी के साथ में ये सिस्टम खत्म हो जाता, लेकिन वो आत्मा भटक रही है। इसका मतलब ये है कि उसने कोई ऐसे काले जादू का इस्तेमाल किया जो यहाँ पे बहुत घातक था। उसने कहा, कौन सा काला जादू ऐसा हो सकता है? उसने कहा, होते हैं, बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन ये काला जादू जो है ये काफ़ी अलग है, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि इसको करने वाला इंसान मरता ही है और इस काले जादू की डिमांड ही ये है, सबसे पहली डिमांड इसकी ये है कि आपको अपनी आत्मा का सौदा करना है, आप जिसको बुलाओगे वो आ जाएगा। उस लड़के ने चाहते हुए या ना चाहते हुए भी अपनी आत्मा का सौदा किया होगा सिर्फ उस खूबसूरत लड़की को पाने के लिए। वो लड़की उसके सामने आ गई और उसके बाद में जो भी हुआ वो सबको मालूम है, थोड़े वक्त रही होगी या फिर उसको टॉर्चर वगैरह किया होगा, उसको मार दिया, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक काले जादू से पैदा की हुई चीज थी और वो काला जादू उसे खा गया। और बाबा ने यही कहा कि तुम लोगों ने यहाँ पे आकर के जब सच्चे मन से उसको बुलाया तो वो तुम चारों के पीछे पड़ गई और वो तुम चारों को मारना चाहती है। उसने कहा, बाबा
ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन अब ये बताइए कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं मर गई तो क्या होगा। वो ये बात करके वापस उस बिल्डिंग में आ गए, सृष्टि और अघोरी। इतने में सृष्टि को अपने कंधे पर एक टैप महसूस हुआ, नॉर्मल सा टैप। वो मुड़ने वाली थी कि अघोरी ने कहा, मत मुड़, वो तेरे पीछे है। और वो अब आ चुकी है अपने आखिरी शिकार के लिए। तू मुड़ियो मत, और तेरा जो भी डर है उसको तू काबू में कर। इतने में सृष्टि को दिखता है कि उसके पैर के ऊपर कुछ चल रहा है। उसने देखा तो उसके ऊपर एक सांप आ गया था, और उसको सांपों से बहुत डर लगता था। अब नॉर्मल सी बात है, किसी को सांप से, किसी को कार से, किसी को ट्रक से, किसी को गुब्बारे से, किसी को जोकर से, उसका भी एक डर था और वाजिब डर था भाई उसका। उसने कहा, कंट्रोल कर, डर मत, अगर डरेगी तो ये तेरे ऊपर और काबू करेगी, डरना नहीं है। वो डरी नहीं, उसने अपने आप पे काबू पाया, सृष्टि ने अपने आप को बचा लिया। कि इतने में उसको दिखाई दिया कि उसके माँ बाप जो हैं वो उसी बिल्डिंग की खिड़की पे खड़े हैं, और वो उस लड़की को बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बेटा हमें बचा ले, ये हमें मार देगी, वो लड़की जो है वो हमें मार डालेगी। सृष्टि भागते हुए वहां पे गई, और वो बस बिल्कुल एंड पे पहुंच गई थी कि इतने में अघोरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, कहां जा रही है, यहां पे कोई खिड़की नहीं है, तुझे कौन सी खिड़की दिखाई दी। इसका मतलब ये था कि वो आत्मा किसी भी तरीके से अपने टारगेट को चेस कर ही लेगी। अगर यहां पर अघोरी नहीं होता तो सृष्टि चाहे कितनी ही बहादुर बन ले, उसकी मौत पक्की थी, बच नहीं सकती थी। वो आत्मा जिस पर हाथ रखे उसकी मौत पक्की। उसने कहा, बाबा ठीक है, लेकिन ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊंगी। चलो आज मेरे को माँ बाप दिखाई दिए, कल को मुझे कोई और वहम होगा, कब तक मैं बच जाऊंगी। बात में दम था। बाबा ने कहा, ठीक है तू चल मेरे साथ, एक उपाय है। इस काले जादू को काटने का एक उपाय सिर्फ काला जादू ही है। ये आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। अगर मैं इसको मुक्त कराने के बारे में सोचूंगा, या ये सोचूंगा कि ये तेरे ऊपर से चली जाए, तो यकीन मान तेरी मौत निश्चित है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमेशा आत्मा को आजाद कराया जाता है, मुक्त कराया जाता है, लेकिन उसे मुक्त करवाने की बात वो कर ही नहीं रहा था। वो सिर्फ ये कह रहा था कि मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकता हूं बस। और वो नक्षत्र जो वो कह रहा था वो उस वक्त पर फॉल कर रहे थे, जिस हिसाब से ये सब टोटका होने वाला था। तो उसने कहा, तू चल मेरे साथ में, और वहीं पर हम उपाय ढूंढेंगे। इसकी मुक्ति नामुमकिन है, ये ऐसी आत्मा है जो भटकती ही रहेगी। जब तक कोई इसको बुलाएगा नहीं तब तक ये आएगी नहीं, और बुलाना भी इसी बिल्डिंग में पड़ेगा। वो उसे कब्रिस्तान में ले गया, और वहां पे पहले तो उसने एक नॉर्मल सा यज्ञ किया, छोटा सा यज्ञ था, ऐसा कुछ नहीं था। बस यज्ञ के नाम पे ये समझ लो कि उसके अंदर अंगारे वगैरह थे, लकड़ियां वगैरह थी, और उसने उसको जला दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद में जो इधर सृष्टि ने देखा वो भूत से ज्यादा भयानक था। वो अघोरी वहां पे उठ करके राख मुंह में डाल रहा था और नाच रहा था, तांडव कर रहा था, वो लिटरली तांडव कर रहा था। इस वक्त पर मौत जो है ना वो हसीन लगे। वो अघोरी अजीब ही किस्म की हरकतें कर रहा था, बालों को ऐसे ऐसे हिला रहा था, सर को ऐसे ऐसे कर रहा था, जमीन पे हाथ पटक रहा था, मानो जैसे वो तड़प रहा हो। और वो तड़प भी नहीं रहा था, उस तड़प में भी वो हंस रहा था। ये चीज सृष्टि की समझ के बाहर थी, वो बहुत डर रही थी। अघोरी ने वहां पे एक गोल घेरा बनाया था और उस लड़की को कहा था, इस घेरे से बाहर मत निकलियो, चाहे कुछ हो जाए, तुझे लगे कि मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है तब भी नहीं, वो हमला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ में, तू यहां पे बैठ, जब तक तू यहां पे है तब तक तू सुरक्षित है। उसने कहा, ठीक है। वो बाहर निकलने वालों में से थी भी नहीं, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट पार्ट में कि उसे एक बात अगर समझा दोगे तो वो मान लेगी। वो ऐसी नहीं थी कि जबरदस्ती अपनी नाक बीच में घुसेड़े, नहीं, उसको समझा दी तो उसने मान ली। वो वहां बैठी रही। अघोरी ने 15-20 मिनट तक ये सब कुछ किया, फिर वो त्रिशूल जो होता है ना उसको लेकर के भी वो नाच रहा था, पागल सा हो गया था, बिल्कुल वो पागल हो गया था। बस
कमी थी तो एक लाश की, अगर लाश नीचे होती तो लगभग ये समझ लो कि वो तांडव कर रहा था और जमीन पे भी पैर ऐसे ऐसे पटक रहा था जैसे किसी को रौंद रहा हो। इसके बाद में वो यहां पर चुपचाप उस खेरे में आके बैठ गया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसे याद सब कुछ था कि उसने क्या पागलों की हरकतें करी हैं, सब पता था उसे। न जाने उसके अंदर कौन सी शक्ति आ गई, कौन सी ताकत आ गई, क्योंकि ये चीज कोई एक ह्यूमन तो नहीं कर सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। उस शख्स ने जलती हुई आग के अंदर जो यहां अंगारे होते हैं ना, उन्हें पकड़ लिया मुट्ठी में, और उसका हाथ नहीं जल रहा था। यह दिख रहा था कि उसके हाथ पे इधर जख्म हो रहे हैं, दर्द उसे ना के बराबर। सृष्टि अगर उन अंगारों को पकड़ती तो हाथ जलता, कोई भी इंसान पकड़ेगा ऐसा होगा, उसके साथ ये नहीं हो रहा था। ये चीज अपने आप में जादुई थी और बहुत ज्यादा डरावनी भी। उसने यहां पे उस अंगारे को जमीन पे पटका, फिर उसे पैर से रौंद दिया, मसल दिया, तो पूरी की पूरी जो मिट्टी थी वो उस अंगारे पे लग गई और वो अंगारा भी ठंडा पड़ गया। उसने उस अंगारे को उठाया और यहां पे सृष्टि के पैर पे उसे रगड़ दिया, हल्का सा उसको रगड़ दिया। सृष्टि को कोई जलन महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक गर्माहट तो होती ही है, तो वो उसे महसूस जरूर हुई। उसके बाद में उसने एक यहां पे धागा निकाला काले रंग का और उसको ऐसे छटका। झटकने के बाद में कुछ उसने बोला वगैरह, उसको माथे से लगाया, आंख से लगाया, होंठ से लगाया, और उसको भी उसने उस अंगारे पे रखा। जिस अंगारे को उसने पैर पे रखा था उस अंगारे के ऊपर उसने वो धागा रख दिया। फिर उसने उस धागे को उसके राइट पैर पे बांध दिया। उसने कहा, बेटा ये जो धागा है ये मरते दम तक तेरे पैर से उतरना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, गलती की गुंजाइश है ही नहीं। ये मत कह दियो कि मेरा पैर कट गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चे ने धागा खोल दिया, कुछ भी हो गया, नहीं, ये धागा उतरना नहीं चाहिए चाहे कुछ हो जाए। हाँ अगर तुझे टाइट वगैरह लगे तो खोल के इसको दोबारा बांध ले, लेकिन ये तेरे पैर से चिपका हुआ होना चाहिए, तब भी, ऐसा नहीं कि हाथ से निकाल के उसको देखने लग गई, नहीं। वो धागा उसने बांधा। सृष्टि को लगा बस इतना ही कुछ, इससे सब कुछ हो जाएगा। वो यही सोच रही थी कि अघोरी ने कैंची ली और उसके हल्के से बाल काट दिए, छोटा सा पार्ट उसने काट दिया, कह सकते हैं एक लठ जो होती है वो उसने काट दी। वो उसने काटी और सृष्टि के तो भाई आंखें बड़ी हो गई, उसको अपने बालों से बहुत प्यार था। हल्के से उसके बाल कटे, ऑल्दो उससे उसके चेहरे पर कोई नुकसान नहीं आया और कोई कह भी नहीं सकता था कि उसके बाल कटे हैं, बट लोगों को अपने चेहरे से बहुत ऑब्सेशन होता है, तो उसको भी लगा कि यार ये चीज सही नहीं हुई, बट वो क्या ही बोल सकती थी। उसने यहां पे अघोरी ने अपने बैग में से एक गुड़िया निकाली। गुड़िया कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक आटे की गुड़िया थी वो, जिसको देख के लग रहा था कि इसने इसको कल बनाया होगा, अपना ही कोई काला जादू वगैरह कर रहा होगा, उसके लिए बनाया होगा। उस आटे की गुड़िया के अंदर बीच में से फाड़ करके उसने उन बालों को डाल दिया। बालों को उसने मिक्स कर दिया, आटे को वापस से गूंथ दिया उसने और वापस गुड़िया वहां रख दी। इसी के साथ उसने सृष्टि को कहा कि तेरी कोई फोटो है इस वक्त पे तेरे पास में, अगर ना हो तो तू घर से लेकर आ जा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा होगी, मैं देखती हूँ। बैग था उसके पास में, तो उस बैग में उसको मिल भी गई, पता नहीं कहाँ उसने फोटो रखी थी, कैसी थी, और उसकी कुछ यहाँ पे 5-7 साल पुरानी फोटो थी वो उसने दी। अघोरी ने चक्कू लिया और उस फोटो को उस गुड़िया पे देके मारा। जैसे उसने उस गुड़िया पे उसको देके मारा, सृष्टि ने देखा उस गुड़िया में से खून निकलने लगा। ये चीज फिल्मी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, लेकिन जिस पर बीतती है भाई वही जानता है। उसमें से खून निकल रहा था, ज्यादा खून नहीं था, ऐसा नहीं कि पूरी डॉल जो है यहां पे भीग गई हो खून में, नहीं, लेकिन मान लीजिए कि इतना सारा ब्लड निकला था उसके अंदर से। उसने उस गुड़िया को वापस जमीन पे ऐसे रगड़ दिया, मतलब जो भी खून वून था वो मिटा दिया। कुछ उसने बोला, वापस उसको आग पर थोड़ा सा सेका और उस लड़की को दे दिया। उसने कहा, बेटा जो मैं अब बता रहा हूं इसे तू कान खोल के सुन ले। उसने कहा, बोलो। बेटा ये गुड़िया तेरे पास मिनिमम 25 साल तक रहनी चाहिए। अगर तू आने वाले 25 साल तक जिंदा रही तो ये याद रखियो कि ये गुड़िया तेरे से जुदा ना होने पाए।
अब किसी को फ्यूचर का तो नहीं पता कि कौन कब मर जाए, क्या हो जाए। उन्होंने कहा ये समझ ले एक तरह से जिंदगी भर ही ये तेरे साथ रहेगी। अभी उसकी उम्र कुछ ऐसी थी 25-26, तो लगा लो 25 साल और, तो 51-52 की उम्र हो गई उसकी। तो उसने कहा ठीक है मैं इसको रख लूँगी, लेकिन 25 साल क्यों? अघोरी ने कहा जिस किस्म की वो आत्मा है और जिस किस्म का वो काला जादू है उसकी मैक्सिमम लिमिट 25 से 30 साल होती है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 30। इसीलिए मैंने तुझे कहा कि कम से कम 25 रखियो 30 साल तक, 30 के बाद अगर तू फेंकना चाहे तो फेंक दियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 तो मिनिमम है ही। उन्होंने कहा बाबा ऐसा आप कैसे कह सकते हैं 25 साल ही? सृष्टि सवाल जवाब करने लगी। तो उन्होंने कहा बेटा हर किस्म के काले जादू का एक अंत होता है, एक सीमित अंत होता है, और ये जो काला जादू है ये भयानक जरूर है लेकिन इसका भी एक अंत है। जो आत्मा इस काले जादू से जुड़ी हुई है वो अपने टारगेट को मैक्सिमम 30 साल तक चेस कर सकती है, 30 साल के बाद में वो तुमसे अलग हो जाएगी, उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये बात काफ़ी फैसिनेटिंग थी, लेकिन 30 साल का पीरियड कोई छोटा नहीं होता। उन्होंने कहा बाबा मतलब अब वो मुझे दिखाई नहीं देगी? उसने कहा नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी, वो एक तरह से भटक गई। मैं तुझे आसानी से समझाता हूँ, वो थोड़ा सा यहाँ भटक गई, उसे समझ नहीं आएगा कि उसका टारगेट कहाँ गया। तू अगर उसके सामने भी रहेगी तब भी वो तुझे पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो काला जादू मैंने अभी तेरे पैर पे जो मैंने धागा बांधा वो गुड़िया तुझे दी है, इसके चलते वो चाह कर के भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और 25-30 साल के बाद में वो अपने आप तेरे ऊपर से चली जाएगी। और उसकी मुक्ति का क्या, क्या वो मुक्त हो पाएगी? उन्होंने कहा नहीं, वो ऐसे काले जादू से बंधी हुई है, वो काले जादू से ही पैदा हुई है, वो हमेशा उस बिल्डिंग में ही रहेगी, अगर कोई उसको बुलाएगा तो वो आएगी, नहीं तो नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं। तू घर जा और जा करके अब तू जो करना चाहे वो कर, लेकिन एक बात याद रख, तेरे तीनों दोस्तों के सपने तुझे आ सकते हैं, प्रज्ञा, आकाश और जैन के। वो कह सकते हैं कि हमें मुक्ति नहीं मिली क्योंकि छुट्टी तुझे उस आत्मा से मिल गई, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी भी तुझे उनके सपने आए। तो सृष्टि ने कहा इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुए? उसने कहा हो गए वो मुक्त, लेकिन काले जादू का असर एक स्विच की तरह काम नहीं करता कि ऑन और ऑफ, ऐसा नहीं होता। इस चीज को जाने में कुछ वक्त लगेगा, और ये वक्त एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक महीने तक भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। उसने कहा ठीक है। वो गई और उस रात में वो सोई तो सचमुच उसके तीनों दोस्तों का सपना आया था उसे, और उन्होंने कहा था सृष्टि हमें मुक्त करवा दे, वो अघोरी झूठ बोल रहा है, तू उस बिल्डिंग में एक बार आ तो जा, तुझे हम बता रहे हैं हम तुझे बचा लेंगे, और वो जो आत्मा है वो तुझे कुछ नहीं कहेगी, तू एक बार आ, और मैं तुझे, जैन कहता है, और मैं तुझे बता रहा हूं हम लोग जो है हमें मुक्ति नहीं मिली है, तू हमें मुक्त करा दे, वो आत्मा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। सृष्टि बेवकूफ नहीं थी, उसने इग्नोर किया, और अघोरी ने कहा था सपने में उनसे कोई बात मत करियो, या फिर उनके साथ में जाने का वादा मत करियो, नहीं तो आने वाले वक्त में तेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये बात समझ गई थी, उसने वैसा ही किया। 2-3 दिन तक ये सपना आया, उसके बाद ये सपना भी चला गया, और वो जो गुड़िया थी, भाई अब थी तो आटे की, अब आटा है कब तक सड़ेगा नहीं, कब तक जमेगा नहीं, तो बदबू वगैरह भी आने लगी थी। तो उसने एक काम किया कि स्टील का एक इधर बॉक्स लिया, और इसी के साथ में उसके बाहर उसने ताला वाला लगवा दिया, छोटा सा बॉक्स था, क्योंकि गुड़िया ही लगभग आप समझ लो इतनी सी थी वो, तो कितना बड़ा बॉक्स होगा, इतना हो जाएगा हद से हद, इतना बड़ा बॉक्स था, उसके बाहर उसने इधर ताला वाला लगवा दिया, और अपनी एक पर्सनल अलमारी में उसको रख दिया। उस अलमारी के बाहर भी उसने ताला लगाया, चाबियां उसके पास में थी, और जो बॉक्स था वो जिस जगह पर था उधर भी ताला लगा हुआ था, और इसी के साथ में बॉक्स में भी ताला, जिसके चलते कोई भी उस बॉक्स तक नहीं पहुंच सकता था एक्सेप्ट सृष्टि। सृष्टि जानती थी कि कोई भी उस बॉक्स को खोलने वाला है नहीं, और उसने खुद ही उस बॉक्स की चाबी फेंक दी कि बाय चांस किसी को मिल जाए कोई खोलने की कोशिश करे तो, लेकिन उसके घर में कोई ऐसा था नहीं कि जो इन सब चीज़ों को छुए। पैर में उसके वो धागा बंधा रहता था, आज भी है, और सब कुछ सही चल रहा है,
उसको कई बार ऐसा लगा कि क्या उस बिल्डिंग में कुछ हो सकता है, सही में मेरे दोस्त वगैरह वहां पे हैं या नहीं, या फिर कुछ मैं देख कर क्या हूं। उसने अघोरी से बात करी एक साल बाद कि मैं जा सकती हूं वहां पे, मैं जा करके देख सकती हूं कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है नहीं। उसने कहा चली जा। अब शायद वो रोकता, सृष्टि को ऐसा लगा, उसने कहा चली जा, वो आत्मा तुझे पहचान भी नहीं पाई, तू चली जा, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो सचमुच गई और उसने पूरी बिल्डिंग को अकेले यहां पे छान मारा, उसे कुछ नहीं मिला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहां पर 3 मौतें हुई हैं और वो आत्मा यहां पर आज भी है। लेकिन जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा हुआ, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, वो वापस आ गई, चुपचाप आ गई और आकर के अपने घर पे बैठी रही। अब इन बातों को काफी वक्त बीत चुका, उसकी शादी वगैरह भी हो गई, वो बक्सा आज भी उसके पास में है, उसने बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है वो बक्सा, ना तो अभी तक खुला ना उसके पैर का धागा। और उसने ये कसम ठान रखी है कि 30 साल तक मैं उस बॉक्स को खोलूंगी नहीं, 30 के बाद भी नहीं खोलूंगी, जैसा है वैसा पड़े रहने दो। ना उसके हस्बैंड को इसके बारे में कुछ पता, ना बच्चों को। शायद 8-9 साल बीत चुके हैं और अब मैक्सिमम 15 या 20 साल का वक्त और बचा है। लेकिन जो आकाश की मम्मी है वो आज भी ये बात मानती है कि ये सब कुछ सृष्टि ने किया है। अब सृष्टि क्या एक्सप्लेनेशन दे उन्हें, उसे खुद नहीं पता। क्या बोले वो, कुछ नहीं बोल सकती। सारे रिश्ते नाते जैन के परिवार वालों से, प्रज्ञा के परिवार वालों से, आकाश के परिवार वालों से उसके टूट गए। और एक बेवकूफ़ी जो उन चारों ने मिलकर की थी, उसी के चलते ये सब कुछ हुआ। उसको तो रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सृष्टि ने अपनी जान जरूर बचा ली। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। अगर पुराने दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और उन्हें चेकआउट कीजिए। और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।